हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से चार बहुत ही बड़ी खबरों के बारे में, जो कि गाइस आज निकल के आई है। दोस्तों, 7 दिन बाद यानी कि 21 जनवरी को हम सभी को पता चलने वाला है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी और कौन से खिलाड़ी को रिलीज करेगी। ये गाइस हमें 21 जनवरी को पता चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आरसीबी की टीम से आज बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई है, जो कि गाइस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपको आरसीबी की सारी न्यूज सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के आई है आरसीबी की ट्रेड विंडो को लेकर। तो गाइस, आरसीबी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम से कॉन्टैक्ट किया है, जहाँ पे गाइस आरसीबी की टीम चाहती है कि डेविड मिलर जो है वो आरसीबी की टीम में ट्रेड हो। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक फिनिशर की सख्त जरूरत आईपीएल 2021 में, जहाँ पे गाइस आरसीबी की टीम को डेविड मिलर अपनी टीम में शामिल करने का मौका मिला है ट्रेड विंडो के जरिए। और गाइस, राजस्थान रॉयल्स की टीम से पिछले साल डेविड मिलर ने एक ही मैच खेला था, जहां पे गाइस उनका परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखा था। लेकिन गाइस, आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की टीम डेविड मिलर को रिलीज करने वाली है। 75 लाख दोस्तों डेविड मिलर की अमाउंट है। आरसीबी की टीम में अगर आते हैं तो कोई घाटा नहीं होने वाला आरसीबी की टीम को। साथ में दोस्तों, आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा अगर डेविड मिलर आरसीबी की टीम में आते हैं तो। अभी तक दोस्तों इसके ऊपर पूरी खबर नहीं आई है कि क्या डेविड मिलर आरसीबी की टीम में ट्रेड हुए हैं। लेकिन दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मैनेजमेंट ने राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्टैक्ट किया है, जहाँ पे गाइस आरसीबी की टीम चाहती है कि डेविड मिलर आरसीबी की टीम में ट्रेड हो। बात करते हैं दोस्तों दूसरी बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। तो ये खबर दोस्तों निकल के आई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोस्तों, बंगाल के विवेक सिंह, जिन्होंने हाल ही में सेंचुरी मारी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वो गाइस आ चुकी है रडार पर। सारी की सारी टीमों ने दोस्तों इनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है अपनी टीम में शामिल करने के लिए आईपीएल 2021 में, क्योंकि दोस्तों विवेक सिंह जो है वो एक इंडियन प्लेयर है और ऑक्शन में इंडियन प्लेयर की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। ऐसे में दोस्तों सभी टीमों ने विवेक सिंह से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इनसाइड स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत सी टीमों ने विवेक सिंह के साथ कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया है, जहाँ पे गाइस आरसीबी की टीम का भी नाम आता है। गाइस, अगर दोस्तों विवेक सिंह आरसीबी की टीम में शामिल होते हैं तो गुरकीरत मन सिंह की जगह विवेक सिंह हमें दिख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये चॉइस भी रहेगा आरसीबी की टीम के लिए। चलते हैं दोस्तों तीसरी बहुत ही बड़ी खबर की तरफ, जो कि निकल के आई है बिग बैश लीग से। बिग बैश लीग में दोस्तों आरसीबी की टीम के जोशुआ फिलिपे ने कल 64 रन की शानदार पारी खेली, जहाँ पे गाइस इन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। 36 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेल के दोस्तों इन्होंने सिडनी सिक्सर्स को मैच जिताया सिंगल हैंडली। और दोस्तों केवल एक ही पारी नहीं, इन्होंने पहले भी बहुत ही अच्छी पारी खेली है, जहाँ पे गाइस इन्होंने 95 रन भी बना रखे हैं। तो गाइस, जोशुआ फिलिपे जो है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं बिग बैश लीग में, और हम सभी को उम्मीद रहेगी कि आईपीएल 2021 में भी अपना ऐसा ही जलवा बरकरार रखे। दोस्तों चलते हैं चौथी और लास्ट खबर की तरफ। तो ये खबर निकल के आई है स्टीव स्मिथ को लेके। स्टीव स्मिथ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम से रिलीज होने वाले हैं, ऐसा दोस्तों कहा जा रहा है बहुत ही रिपोर्ट्स के हिसाब से और न्यूज के हिसाब से। ऐसा कहा जा रहा है कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्लान बनाया है कि स्टीव स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो रिलीज करेगी आईपीएल 2021 मिनी ऑक्शन से पहले। यहाँ पे दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्टीव स्मिथ को आरसीबी की टीम टारगेट कर सकती है ऑक्शन के दौरान, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरसीबी की टीम इनको टारगेट करेगी, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम को एक फिनिशर की जरूरत है, जो कि दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टीव स्मिथ तो एक फिनिशर का रोल निभाएंगे टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में। अगर दोस्तों स्टीव स्मिथ आरसीबी की टीम में आते हैं तो स्टीव स्मिथ जो है वो एबी डिविलियर्स के बाद आपको दिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर एबी डिविलियर्स के बाद ये आते हैं तो इनको एज अ फिनिशर ही काम निभाना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ जो है वो नहीं कर सकते। आरसीबी की टीम को किसी और तगड़े फिनिशर की तरफ जाना चाहिए, जो कि गाइस मिनी ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। आप लोग का दोस्तों इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। साथ में दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। वीडियो को दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।